नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत मैं कर रहा हूँ स्टडी फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पे। डेली करंट अफेयर सीरीज में मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ। आज हम लोग 13 अप्रैल 2020 का करंट अफेयर्स देखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का कंटेंट में 10 वार्म अप क्विज होगा और 10 MCQ के साथ एक्सप्लेनेशन, और आज का स्टडी पार्ट में उत्तर प्रदेश है, ठीक है। इस वीडियो का PDF के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं वार्म अप क्विज। जतिंगा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर इन असम। जतिंगा नाम का सहायक किस सहायक नदी है, किस रिवर का सहायक नदी आपको बताना है। हु रोट द बुक कीर्तन घोषा, कीर्तन घोषा किताब किसने लिखा है बताना है। क्वेश्चन 3, हु इज़ द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम असम टू गेट अर्जुन अवार्ड, अर्जुन अवार्ड पाने वाला प्रथम व्यक्ति का नाम बताना है। क्वेश्चन 4, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NRC, NRC का फुल फॉर्म क्या होता है। क्वेश्चन 5, ऑन व्हिच डे वर्ल्ड ब्रेल डे इज सेलिब्रेटेड, वर्ल्ड ब्रेल डे कब मनाया जाता है। क्वेश्चन 6, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल पीस इंडेक्स, ग्लोबल पीस इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना है। व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ लाफिंग गैस, लाफिंग गैस का केमिकल फार्मूला क्या है आपको बताना है। इन व्हिच ईयर बैटल ऑफ पानीपत वाज फोट, बैटल ऑफ पानीपत जो कि मुगल लड़ाई हुआ था तो कब हुआ था वो आपको बताना है। क्वेश्चन 9, हु इज़ द फाउंडर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन, ग्रीन रिवोल्यूशन का फाउंडर किसको कहा जाता है, ठीक है, या फिर फादर किसको कहा जाता है, दोनों क्वेश्चन एक ही हो जाएगा। हुई इज़ द फाउंडर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन, दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा। क्वेश्चन 10, हु वाज़ द फाउंडर ऑफ कोच डायनेस्टी, कोच डायनेस्टी का संस्थापक का नाम क्या है, ठीक है। 10 क्वेश्चन का आंसर वीडियो क्लास में मिलेगा, तब तक आपको सोचना है क्या आंसर हो सकता है और कितना यहाँ से आप ठीक कर पा रहे हैं वो एटलीस्ट कमेंट करके बताइए कि मुझे इतना आता है तो मुझे भी अच्छा लगेगा आप सभी को जान के। चलें शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन। Which of the following has approved the use of diagnostic machine used for testing drug resistant tuberculosis for conducting coronavirus test? तो हाल ही में डायग्नोस्टिक करने के लिए कौन सा यहाँ पे ऑप्शन जो दिया है हाल ही में उसको क्या कर दिया, अप्रूव कर दिया है डायग्नोस्टिक यूज़ करने के लिए। तो TB का जो इलाज होता था, tuberculosis जिसको हम बोलते हैं, वैसे TB के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। TB जो है बैक्टीरिया के कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण TB होता है, और TB जब होता है तो क्या इफेक्ट करता है हम लोग का लंग्स जो है वो इफेक्ट करता है, जब TB होता है तो लंग्स इफेक्ट करता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ट्यूबरक्लोसिस किससे होता है, बैक्टीरिया, वायरस या बाकी चीज़, तो होगा बैक्टीरिया, और क्या इफेक्ट करता है लंग्स, ठीक है। जब ट्यूबरक्लोसिस आ गया तो एक और देख लेते हैं, 2025 तक भारत सरकार का डेडलाइन है भारत से टीबी को एलिमिनेट करने का, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर वैसे होगा ICMR, ऑप्शन नंबर ए, हाल ही में अप्रूवल दिया था। ICMR का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। इसका स्थापना हुआ था 1911 में, जब दिल्ली का स्थापना हुआ था उसी समय इसका भी स्थापना हुआ था, ठीक है, 1911 में। इसका डायरेक्टर जनरल का नाम क्या है, बलराम भार्गवा इसका डायरेक्टर जनरल है, तो ये भी आपको याद रखना है इसका डायरेक्टर जनरल कौन है। बाकी ऑप्शन दिया इसरो के बारे में देख लेते हैं, इसरो का चेयरमैन कौन है एट प्रेजेंट में, K.C. हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, और इसरो का स्थापना होता है 1968 में, ठीक है। DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका चेयरपर्सन का नाम है G.Satish Reddy, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, इसका स्थापना हुआ था 1958 में, ठीक है। DRDO का स्थापना होता है 1958 में और इसरो का 1969 में। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग IIT, आपको बताना है कौन सा IIT हाल ही में हैज़ डेवलप ए वेरी लो कॉस्ट PPE किट विच विल प्रोड्यूस लेस देन 100 रुपीज़, तो ऐसा डेवलप किया कि 100 रुपया से भी कम में इसको प्रोडक्शन किया जा सकता है। सबसे पहले PPE किट का फॉर्म क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है, PPE का फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, बहुत न्यूज में हो सकता है कभी एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ ले, ठीक है। तो ऐसा करने वाला IIT जो है IIT कानपुर, ऑप्शन नंबर बी। IIT कानपुर कहाँ पर है, यूपी में है IIT कानपुर, और यूपी का CM का नाम है योगी आदित्यनाथ, और गवर्नर का नाम है आनंदीबेन पटेल, ठीक है। और यूपी में एक नेशनल पार्क है, फेमस नेशनल पार्क, जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क। बाकी यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है IIT गुवाहाटी हाल ही में ड्रोन बनाया था जो कि बहुत लार्ज एरिया को सैनिटाइज कर सकता है। एट प्रेजेंट में IIT कितना है इंडिया में, तो 23 है टोटल IIT कॉलेज कितना है, 23। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3, हु विल पार्टिसिपेट इन द मीटिंग ऑफ G20 कंट्री टू डिस्कस द वे फॉरवर्ड इन सपोर्टिंग द इकोनॉमिक आफ्टर द कोविड-19 पेंडेमिक। आपको पता होगा कोविड-19 फैला हुआ है एंड कोरोना वायरस फैला हुआ है, उससे इकोनॉमिक सबका डाउन जाने वाला है, तो उससे डील करने के लिए
G20 कंट्री से हाल ही में कौन सा यहाँ पे ऑप्शन जो दिया है मिल के बैठक करने वाले हैं आपको बताना है। ऑप्शन जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए निर्मला सीतारमन जो है और शक्तिकांत दास, ये दोनों मिल के इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। निर्मला सीतारमन क्या है, फाइनेंस मिनिस्टर हैं और इनका कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ है, एमपी है, कहाँ का, कर्नाटक से, ठीक है, राज्यसभा एमपी है कर्नाटक से। निर्मला सीतारमन के पास मंत्री जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री, उनका वो कहाँ से है, राज्यसभा एमपी है, कहाँ से, कर्नाटक, कर्नाटका से। अब राज्यसभा का नाम आ गया तो राज्यसभा में मैक्सिमम सीट कितना होता है, राज्यसभा का मैक्सिमम सीट होता है 250 और लोकसभा कितना होता है 552, 552, ठीक है, मैक्सिमम सीट होता है लोकसभा का, राज्यसभा का। बाकी ऑप्शन जो है वो हम देख लेते हैं। G20 का मीटिंग हुआ था 2020 में सऊदी अरब में, लेकिन ये मीटिंग जो हुआ था वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा हुआ था। 2021 में G20 का मीटिंग हुआ, G20 में कितना देश आता है, 90 कंट्री प्लस यूरोपियन यूनियन मिलकर G20 बना हुआ है। तो 2021 में इटली में होगा G20 का समिट और 2022 में जो होगा वो इंडिया में होगा। तो 22 वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, G20 का 2022 का मीटिंग कहाँ पे होगा, तो इंडिया में। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चार नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ स्टार्टेड बिल्डिंग ए लेड डेट विल एनेबल इट टू टेस्ट एम्प्लॉय ऑफ कोविड-19 वायरस। ऐसा करने वाला कौन सा कंपनी है, ऐसा करने वाला कंपनी का नाम है अमेजन, अमेजन का फाउंडर का नाम है जेफ बेजोस, ठीक है। यहाँ पे फ्लिपकार्ट दिया है, फ्लिपकार्ट का फाउंडर का नाम है सचिन बंसल और बिनी बंसल, ठीक है। 2007 में इसका स्थापना हुआ था फ्लिपकार्ट का, एट प्रेजेंट में इसका सीईओ का नाम है कल्याण कृष्णमूर्ति, कल्याण कृष्णमूर्ति। माइक्रोसॉफ्ट तो सबको पता है, इसका फाउंडर का नाम क्या है, बिल गेट्स और पॉल एलन दोनों मिलकर स्थापना किए थे। कब आया था माइक्रोसॉफ्ट, 1975 में माइक्रोसॉफ्ट का स्थापना हुआ था। और इसका जो सीईओ हैं वो भारतीय हैं, उनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, सत्य नडेला जो है इसका सीईओ है माइक्रोसॉफ्ट का। क्वेश्चन 5, ICMR हैज़ ड्राफ्टेड ए प्रपोजल टू एक्सप्लोर विच ऑफ द फॉलोइंग थेरेपी टू ट्रीट क्रिटिकल्स कोविड-19। तो कौन सा थेरेपी हाल ही में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ड्राफ्ट प्रपोजल किया है, तो वो जो है उसका नाम क्या है, क्रिटिकल थेरेपी का नाम क्या है, प्लाज्मा थेरेपी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा है, बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, विच टू कंपनी है जॉइंटली डेवलप कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग टेक्नोलॉजी। तो हाल ही में कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग टेक्नोलॉजी हाल ही में डेवलप कौन सा इसमें से टेक्नोलॉजी किया है, तो एप्पल और गूगल मिलकर किए हैं। एप्पल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कैलिफोर्निया USA में, और एप्पल का CEO का नाम है, एट प्रेजेंट जो CEO हैं टिम कुक, TIM टिम COOK। इसका स्थापना हुआ था 1976 में, 1 अप्रैल 1976 में एप्पल का स्थापना हुआ था। बाकी गूगल जो दिया है गूगल, इसका CEO है सुंदर पिचाई, ये भी भारतीय हैं। इसका स्थापना हुआ था कब, गूगल का फाउंडेशन हुआ था 4 सितंबर 1998 में, ठीक है। और इसका फाउंडेशन कौन किए थे, यानी कौन इसको फाउंड किया था, तो सर्जे ब्रिन और लेरी पेज मिलके गूगल का स्थापना किया था। उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है गूगल का, कैलिफोर्निया US में, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट चलेंगे 7, विच स्टेट हैज़ लॉन्च द पोर्टल पढ़ाई तुमका द्वार मीन्स एडुकेशन एट योर डोर स्टेप। तो ये जो पोर्टल है इसका मतलब होता है एडुकेशन एट योर डोर स्टेप, ऐसा करने वाला कौन सा राज्य है आपको बताना है। छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे है सही, छत्तीसगढ़ का कैपिटल है रायपुर, ठीक है। इसका स्थापना हुआ था 1 नवंबर 2000 में, और यहाँ का CM का नाम है भूपेश बागल यहाँ का CM है, और अनुसुईया UK यहाँ का गवर्नर है, अनुसुईया UK, ठीक है। यहाँ पे नेशनल पार्क है इंद्रावती नेशनल पार्क, उसके बाद कंगर घाटी नेशनल पार्क और गुरु घासीदास नेशनल पार्क, ठीक है। इंद्रघाटी उसके बाद क्या बोला मैं, इंद्रावती उसके बाद कंगर घाटी उसके बाद गुरु घासीदास नेशनल पार्क, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन 8, रिसेंटली गूगल हैज़ लॉन्च न्यू वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड, हुई इज द CEO ऑफ गूगल। जैसे हम लोग जान चुके हैं गूगल का CEO का नाम है सुंदर पिचई, ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा होगा, ऑप्शन बी सही है, ठीक है। हुई सिटी हैज़ बिकम द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू मेक फेस मास्क कंपल्सरी इन पब्लिक। तो फेस मास्क कंपलसरी करने वाला कौन सा राज्य है या कौन सा सिटी आपको बताना है, ए सिटी है मुंबई, ऑप्शन नंबर ए। आपको पता होगा मुंबई में कोरोना वायरस का मैक्सिमम डेथ हो चुका है, तो ऐसा करने वाला जो है स्टेट है या सिटी है मुंबई। मुंबई किसका कैपिटल है, महाराष्ट्र का कैपिटल है, महाराष्ट्र राज्य का। मुंबई का महाराष्ट्र का CM का नाम है उद्धव ठाकरे यहाँ का CM है। गवर्नर का नाम है भगत सिंह कोश्यारी, और यहाँ पे
महाराष्ट्र का स्थापना हुआ था 1 मई 1960 में इसका स्थापना हुआ था। यहाँ पे फेमस नेशनल पार्क है जैसे चंदौली नेशनल पार्क, गुगामेल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, उसके बाद तड़ोबा नेशनल पार्क। ठीक है, आगे नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। रिसेंटली ऑन व्हिच डे गुड फ्राइडे इज ऑब्जर्व बाय द क्रिश्चियंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो 10 अप्रैल को मनाया गया गुड फ्राइडे, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। वैसे अप्रैल में जितना भी इंपॉर्टेंट डेट है, 1 अप्रैल को क्या था, उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस। 2 को था वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। 4 को था इंटरनेशनल माइंस अवेयरनेस डे। उसके बाद 5 को था नेशनल मैरिटाइम डे। 6 को था इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ पीस। 7 को था वर्ल्ड हेल्थ डे। 10 को था एक तो गुड फ्राइडे और एक था वर्ल्ड होम्योपैथी डे। 11 को था नेशनल सेफ मदरहुड डे और 12 को था इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। ठीक है, तो सब कुछ देख लिए हैं, आपको रिवीजन करते रहना है नहीं तो भूल जाएंगे। ठीक है, कल का होमवर्क क्वेश्चन था, रिसेंटली कोविड केयर ऐप इज लॉन्च बाय व्हिच स्टेट गवर्नमेंट। तो ऐसा कोविड केयर ऐप कौन सा स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च किया है, सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, आज का होमवर्क क्वेश्चन है, व्हिच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च भारत पढ़े ऑनलाइन कैंपेन। तो कौन सा मिनिस्ट्री हाल ही में भारत पढ़े ऑनलाइन कैंपेन लॉन्च किया है, इसको आपको कमेंट करके कमेंट में बताना है। आप पार्टिसिपेट करेंगे कमेंट में तो मुझे भी अच्छा लगेगा, तो इसका आंसर बताइएगा कमेंट करके। आज का जो है मैप ये रहा, ये मैप कौन है, ये मैप का मैप में जो है इसका नाम है उत्तर प्रदेश, यूपी। उत्तर प्रदेश का स्थापना हुआ था 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को। कैपिटल लखनऊ है और लखनऊ किस नदी के किनारे है, गोमती नदी के किनारे। उसका सीएम का नाम है योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल यहाँ का गवर्नर है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे 75 है, डांस यहाँ का है कथक। यहाँ पे लोकसभा का सीट 80 है और राज्यसभा का सीट 31 है। लैंग्वेज यहाँ हिंदी चलता है। बॉर्डर स्टेट में बहुत सारा है लेकिन बॉर्डर कंट्री में सिर्फ एक है नेपाल। और देख लेते हैं, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यहीं पर है और ये मैक्सिमम स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है, 9 स्टेट के साथ। दुधवा नेशनल पार्क, नरोड़ा एटॉमिक पावर प्लांट, ये सब यहाँ का है। पीलभीत टाइगर रिजर्व यहीं का है। यहाँ का लेजिस्लेचर बाइकैमरल है, यानी विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। सीट यहाँ पे 404 है, विधानसभा का और विधान परिषद का 100। ठीक है, आगे चलेंगे और हम लोग नेक्स्ट देखेंगे वार्म अप क्विज का आंसर। ये देख सकते हैं मैप में उत्तर प्रदेश है। वार्म अप क्विज का आंसर रहा ए। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का था, जतिंगा ट्रिब्यूटरी किसका था, बराक रिवर का। ठीक है, 2 रिवर है असम में, फेमस मेजर रिवर है जो असम में, एक है बराक दूसरा है ब्रह्मपुत्र। तो इसका सही आंसर बराक। हु रोट द बुक कीर्तन घोषा, श्रीमंत शंकरदेव, आपको पता होगा। क्या बता सकते हैं इनका जन्म कहाँ हुआ था, क्या आप लोग बता सकते हैं श्रीमंत शंकरदेव का जन्म कहाँ हुआ था, यदि हाँ तो कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन 3, हु इज़ द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम असम टू गेट अर्जुन अवार्ड। तो भोगेश्वर बरुआ जो है सही आंसर। एनआरसी का फुल फॉर्म होता है द नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, द नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। क्वेश्चन 5, वर्ल्ड ब्रेल डे कब मनाया जाता है, 4 जनवरी को। क्वेश्चन 6, इंडिया का रैंक बताना है ग्लोबल पीस इंडेक्स में, तो कितना है, 141 और टॉप था आइसलैंड। केमिकल फॉर्मूला लाफिंग गैस का क्या है, N2O, इसको बोला जाता है नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, लाफिंग गैस का नाम क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड, केमिकल नेम सॉरी IUPAC नेम नाइट्रस ऑक्साइड, और इसका केमिकल नेम, केमिकल जो है जो कॉमन नाम है लाफिंग गैस और केमिकल फार्मूला, कन्फ्यूज नहीं होना है। इसका केमिकल फार्मूला है जो N2O। ठीक है, उसके बाद कॉमन नाम लाफिंग गैस और IUPAC जो है जो लैब में यूज होता है उसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था, बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था, 1526 में। ठीक है, फाउंडर और या फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन किसको कहा जाता है इंडिया में, MS स्वामीनाथन। और कोच डायनेस्टी का फाउंडर कौन थे, विश्वा सिंहा। तो 10 क्वेश्चन हो गया यहाँ पे और इसी के साथ आज का वीडियो भी समाप्त होगा। बाकी स्टेट और कैपिटल यहाँ पे दिया है, CM और गवर्नर दिया है। इस पीडीएफ को डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो कल हम लोग फिर इसी वक्त मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।